2024 में काफी अच्छी अच्छी मूवीज आने वाली है, जिसमें कुछ मोस्ट अवेटेड सीक्वल्स हैं जैसे कि पुष्पा द रूल और कुछ स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट जैसे कि कंगुआ, जिसका टीजर काफी जबरदस्त था। सो मैंने 10 मूवीज की एक लिस्ट बनाई है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। इसमें सिर्फ वो मूवीज है जो अभी तक के लिए अनाउंस हो चुकी है, और भी काफी मूवीज आने वाली है जिनकी आगे आगे डिटेल पता चलेगी जैसे जैसे 2024 आगे बढ़ेगा। इस लिस्ट में 5 साउथ और 5 हिंदी मूवीज है और ये रिलीज ऑर्डर में है। नंबर 1 फाइटर, मैं काफी वेट कर रहा हूँ इस मूवी का, और मैं ऋतिक या दीपिका पादुकोण के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ इसमें दिखाए जाने वाले एरियल एक्शन के लिए और इसकी स्टोरी के लिए, क्योंकि इस जोनरा में मेरी ये प्रॉपर फर्स्ट मूवी होने वाली है। मैंने अभी तक टॉप गन की कोई भी मूवी नहीं देखी है। वैसे इस जोनरा में एक मूवी और भी आने वाली है, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स। नंबर 2 कल की 2898 AD। एज ऑडियंस एक बार फिर प्रभास के प्रॉपर कमबैक के लिए हम होप ही कर सकते हैं, क्योंकि सालार को जस्ट तुम गुड बोल लो या फिर एवरेज बोल लो, और अभी ना प्रभास को एक ऐसी फिल्म चाहिए जो सबको पसंद आए लगभग, और जिसमें कम से कम नेगेटिव हो। और सच बताऊं तो इसके लिए एक्साइट होने का रीजन सिर्फ प्रभास नहीं है, वो रीजन है इसके डायरेक्टर नाग अश्विन, इसका कॉन्सेप्ट एंड इसका बजट। ये मूवी एक साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी होगी फ्यूचर डायस्टोपियन वर्ल्ड की। इसका क्लिम्स काफी एवरेज था मैं मानता हूं, बट वो बहुत पहले की बात है और काफी कुछ इम्प्रूव हो जाएगा जब तक। इसके डायरेक्टर का कहना है कि उनका जो विजन है ना कल के लिए वो एवेटार की तरह है, वो अपनी खुद की एक दुनिया बनाना चाहते हैं। इसका ट्रेलर 1 अप्रैल को आएगा और ये रिलीज होगी या तो मई में या फिर लेट 2024 यानी कि नवंबर दिसंबर में। नंबर 3 देवरा पार्ट 1। RRR में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होने के बाद जूनियर NTR की नेक्स्ट मूवी होगी, और जैसा सबको पता है एक मूवी अगर पॉपुलर हो जाती है उसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट वाली मूवी होती है ना उसके ऊपर बहुत होप्स होती है, तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी है। एंड इसके टाइटल देवरा का मतलब होता है गॉड या गॉड लाइक, यानी कि भगवान के जैसा, और इसका जो एक फिल्म से पोस्टर आया उससे पता चलता है कि शायद ये मूवी 18+ हो अपने वायलेंस के लिए। वैसे अभी के लिए बता दूं ये रिलीज हो रही है 5 अप्रैल को और शायद चेंज हो जाए। नंबर 4 बड़े मियां छोटे मियां। जैसे साउथ फैंस प्रभास के लिए रूट कर रहे हैं ना, वैसे काफी हिंदी ऑडियंस अक्षय कुमार के कमबैक के लिए भी वेट कर रही है, और इस बार अक्षय कुमार एक्शन जोनर में रिटर्न करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ के साथ। ऐसे ऐसे जो बड़े एक्टर्स की कोलैबोरेशन वाली मूवीज होती है उनके लिए ना काफी एक्साइटिंग हो जाता हूं मैं। एग्जांपल के लिए वॉर देख लो, वैसे इसमें विलन प्ले करने वाले पृथ्वीराज सुकुमारन जिन्होंने सालार में वरदा मन्नार का रोल किया था, अली अब्बास जबर जिन्होंने टाइगर जिंदा है बनाई थी। वैसे ये रिलीज हो रही है 10 अप्रैल को। नंबर 5 कंगुआ पार्ट 1। सूर्या की ये नेक्स्ट वाली मूवी काफी एक्साइटिंग दिख रही है। मूवी में एंशियंट टाइम्स भी दिखाया जाएगा और मॉडर्न वर्ल्ड भी दिखाया जाएगा। नहीं अभी तुम्हें लग रहा होगा इसमें टाइम ट्रैवल होगा, नहीं इसमें टाइम ट्रैवल नहीं होने वाला है, इसमें दोनों स्टोरीज को साथ साथ शो करेंगे। और इसमें जो दिशा पाटनी का करेक्टर है ना वो रिसर्चर का रोल कर रही है और उनका टॉपिक कंगुआ ही होने वाला है, क्योंकि ये बंदा जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान था हिस्ट्री का और ये अचानक से एक दिन मारा जाता है। दिशा पाटनी करेक्टर इसी बात पर रिसर्च करेगा कि ऐसा क्या हुआ था, तो धीरे धीरे कुछ और राज खुलते जाएंगे। कास्ट में बॉबी देओल भी है और इसका टाइटल कंगुआ का मतलब होता है मैन विद पावर ऑफ फायर। ये रिलीज होगी 11 अप्रैल को अभी के लिए और ये रिकॉर्ड 38 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी और इसके सीक्वल्स भी प्लान्ड है। नंबर 6 पुष्पा द रूल। सो पुष्पा अल्लू अर्जुन की अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी है और इसके सीक्वल का काफी टाइम से वेट कर रहा था। ये फाइनली 15 अगस्त को रिलीज होगी सिंघम अगेन के साथ और इसका एक टीजर भी आ चुका है। नंबर 7 सिंघम अगेन। अनएक्सपेक्टेडली बट सिंघम अगेन के लिए भी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। भले ही रोहित शेट्टी की लास्ट मूवी सर्कस बहुत बहुत बकवास थी, बट इसको उन्होंने बेटर बनाने के लिए काफी टाइम ले लिया और इसकी कास्ट भी काफी है। अजय और करीना तो है ही, साथ में अक्षय, दीपिका, टाइगर श्रॉफ और रणवीर सिंह चारों हैं। वैसे इसकी स्टोरी का अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है एंड ये पुष्पा से टक्कर ले रही है 15 अगस्त को रिलीज होगी। नंबर 8 3-2। भाई साहब सबको पता है स्त्री कितनी जबरदस्त मूवी थी। वैसे बता दूं ये दिनेश विजान के क्रिएचर यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें भेड़िया भी थी। एक तो स्टोरी वाइज एक्साइटिंग होने वाले की आगे की स्टोरी को कैसे शो करेंगे एंड सेकंडली इसमें शायद भेड़िया भी दिख जाए। और एक बात और बता दूं आयुष्मान खुराना भी इसी यूनिवर्स में एक वैम्पायर का रोल करने वाले एक मूवी में, तो क्या पता उनका भी कोई कैमियो हो। नंबर 9 कंतारा प्रीक्वल। कंतारा ने जो बॉक्स ऑफिस पर ट्रेंड किया था ना वो रेयरली किसी मूवी ने किया होगा। पहले दिन की 6 करोड़ की ओपनिंग के बावजूद टोटल बॉक्स ऑफिस 450-450 करोड़ था इसका। तो अभी इसका एक सेकंड पार्ट आने वाला जो कि एक्चुअल में इसका प्रीक्वल स्टोरी होगा। उसका एक टीजर भी आ चुका है और वो काफी क्वेश्चन छोड़ के गया है जिससे ऑडियंस डेफिनेटली एक्साइट होगी। इसकी कोई प्रॉपर रिलीज डेट नहीं है अभी तक, ये लेट 2024 या फिर अर्ली 2025 में रिलीज होगी। एंड लास्ट मूवी वेलकम टू द जंगल। इस लिस्ट की लास्ट मूवी वेलकम टू द जंगल है और इसके टीजर से मेरे को थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट हुई थी। एक तो ये जंगल एडवेंचर होने वाली है, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, और दूसरा इसकी जो कास्ट है वो भी जबरदस्त है। एंड एक बार अरशद वारसी ने कहा था कि इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने अब तक की सबसे बेस्ट कॉमेडी स्क्रिप्ट देखी है, तो ये बात मेरे को थोड़ी थोड़ी एक्साइट कर रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तुम भी अपनी मूवीज के बारे में बताना जिनके लिए तुम एक्साइटेड हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाता हूं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड प्रभास ने और SRK ने बॉक्स ऑफिस पर स्कैम किया वो देखने के लिए लेफ्ट साइड क्लिक करो, और मेरी जो लिस्ट में 2023 की बेस्ट मूवीज थी उसके लिए राइट पे क्लिक करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।